नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हरिनिवास। आज से आप रामायण की कथा सुनेंगे। वाल्मीकि रामायण में पहला कांड बालकांड है और बालकांड में जो प्रथम श्लोक प्राप्त होता है वो इस प्रकार है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रुच्छे वाल्मीकि मुनिपुंगवम। कि नारद जी से महर्षि वाल्मीकि, जो कि वाग्विदाम वरम, जो तपस्वी हैं और जिनकी वाणी श्रेष्ठ है, ऐसे वो नारद जी से पूछते हैं। क्या प्रश्न है उनका, जरा हम देखें। कि को नन्वस्मिन साम्प्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मग्नस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढव्रता चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः कः समर्थस्य कश्चैक प्रियदर्शनः। हे नारद मुनि, इस संसार में इस समय सबसे गुणवान, वीर्यवान, सत्यव्रत, धर्मपरायण, दृढ़व्रत, चरित्र से उत्तम, सभी लोगों के हित को करने वाला, विद्वान, समर्थ, प्रियदर्शन, अभी खत्म नहीं हुए, और गुणों की बात करते हैं। आत्मान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूय कहा कस्य विभ्यति देवास्य जातरो सस्य संयुगे। कौन ऐसा है जिसने अपने क्रोध पे विजय प्राप्त किया है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, और स्वयं देवता भी जिससे डरते हों, जिसके रोष से, जिसके क्रोध से देवता भी घबराते हों, ऐसा महान वीर कौन है। एतद् इच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम। आप तो सबके चरित्र को जानते हैं, सभी लोगों में विचरण करने का आपका काम है, तो हे मुनिश्रेष्ठ, आप अगर ऐसे किसी व्यक्ति के, चारित्रवान व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो वो हमें बताइए, क्योंकि मैं उनके बारे में सुनना चाहता हूँ। श्रुत्वा चैत त्रिलोकग्नो वाल्मीकिर नारदो वचः श्रूयतामिति मामंत्र प्रहुष्ट्रो वाक्यमब्रवीत। वाल्मीकि जी का प्रश्न बहुत सुंदर है, क्योंकि लोग बाग दुनिया में ज़्यादातर लोगों की बुराइयाँ सुनना चाहते हैं। यहाँ उनका जो प्रश्न है, उत्तम गुणों से संपन्न किसी व्यक्ति के चरित्र को वो जानना चाहते हैं। तो नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर के उनसे कहते हैं, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनहि श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान द्रुतिमान वसी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए महाराज राम हैं, जो आपने जिस प्रकार के गुणों की बात की है, उस प्रकार के महान गुणों से जो परिपूर्ण है। और कोई व्यक्ति मुझे पृथ्वी पर ऐसा गुणवान दिखाई नहीं देता है। और ये कहने के बाद नारद मुनि इस प्रथम अध्याय में महर्षि वाल्मीकि को पूरी, उनके राम के चरित्र को सुनाने के लिए पूरी कथा सुनाते हैं। उससे पहले वो राम के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्णा विपुलांसो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनु महोरस को महेश्वासा गूढ़ शत्रु रनिंद महा आजान बाहु सुसिरा सुललाटा सुविक्रमः। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मधुर बोलने वाले हैं, शत्रुनाशक हैं, जितने महान गुण हैं उनके शारीरिक वर्णन भी किया है। व्यूढ़ोरस को अजान बाहु सुसिरा सुललाटा सुविक्रमः,
यानी जितने भी उत्तम गुण हैं उन समस्त उत्तम गुणों से युक्त शारीरिक वर्णन एक और श्लोक में देखते हैं, तो फिर हम कथा के रूप में इसको कहेंगे। थोड़ा श्लोकों की भी अनिवार्यता होती है। समः समविभक्तांगः, जिसके समस्त अंग योग्य, नहीं नाक लंबी नहीं आँख छोटी। स्निग्धवर्णः प्रतापवान, पीन वक्षो, स्निग्धवर्ण है जिनका, जो प्रतापी हैं। पीन वक्षा, चौड़ी छाती है। विशालाक्षो, बड़ी बड़ी आँखें हैं। लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः, इस प्रकार से समस्त लक्षणों से जो युक्त हैं। धर्मज्ञः सत्यसंध्यस्य प्रजानां च हिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्नः सुचिर वस्यः समाधिमान। ऐसे परम प्रतापी महाराज राम जो हैं वो सभी धर्मों के और स्वजनों के रक्षक हैं। वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, धनुर्वेद के निष्णात हैं। सर्वी शास्त्रों, स्मृति, पुराणों, इन सब के वो जानकार हैं। इसलिए महान ज्ञानी होने के साथ साथ वो अत्यंत उत्तम गुणों से युक्त, सर्वदा भिगतः सद्भि समुद्र इव सिंधु भी आर्यः सर्वसमस्यैव सदैव प्रिय दर्शना, वो हमेशा उत्तम गुणों से युक्त और प्रिय दर्शन हैं। ऐसे वो कौशल्यानंदन जो समुद्र जैसे गंभीर हैं और पृथ्वी की तरह जो क्षमावान हैं, ऐसे उन राम का चरित्र मैं आपको विस्तार के साथ कहता हूँ। अब यहाँ से राम के गुणों का वखान करने के बाद, राम का जो पूरा चरित्र है, रामायण की जो कथा है, वो संक्षेप में महर्षि नारद वाल्मीकि जी से कहते हैं। तो उसमें वो कथा की शुरुआत कहाँ से करते हैं कि राम को जब राजा बनाया जा रहा है, पूर्वम दत्तवरा देवी वरमेनम मयाचत विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। कैकेयी ने जो पहले दो वरदान प्राप्त किए हुए थे, उन वरदानों के अनुसार राम को वनवास और भरत की राज्य गद्दी मांग ली है, और इस वजह से राम जो हैं वो, जो दशरथ को परम प्रिय हैं, वो दशरथ को छोड़ करके वो वन के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ जब उनके वन में जाने का समाचार मिलता है तो सभी नगरवासी जो हैं उनको घेर लेते हैं, क्योंकि राम के साथ उनकी प्रिय पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी जा रहे हैं। प्रजा से ये दुख देखा नहीं जाता है, फिर भी उन सबको सोता हुआ छोड़ करके और श्रृंगवेरपुर से राम जो हैं वो नदी पार करके, गंगा नदी पार करके और गुह निषाद से मिलते हैं। निषाद से मिलने के बाद चित्रकूट में वो अपना, भरद्वाज ऋषि से मिलने के बाद अपना निवास स्थान बनाते हैं, जहाँ पे भरत उनको वापस लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का दृढ़ निश्चय जिन्होंने लिया है, वो राम वापस तो नहीं आते हैं, लेकिन भरत उनकी पादुकाएं लेकर के आते हैं और उन पादुकाओं को रख करके नंदीग्राम में वो तपस्या करते हुए और राम के ही राज्य का पालन करने लग जाते हैं, यानी वो राम को ही अयोध्या का राजा बना देते हैं। इस प्रकार भरत और राम की कथा कहने के बाद आगे की कथा प्रारंभ करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि जब चित्रकूट में, क्योंकि वो अयोध्या से बहुत दूर नहीं है, राम निवास कर रहे थे, तो उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि बहुत नज़दीक है और यहाँ बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ से आगे दंडकारण्य के लिए प्रस्थान किया है। और वहाँ दंडकारण्य में जा कर के जाते हुए उन्होंने रास्ते में विराध नाम के राक्षस को मारा है, सरभंग ऋषि से मिले हैं, सुतीक्ष्ण ऋषि से मिले हैं, अगस्त ऋषि से मिले हैं, अगस्त ऋषि के भाई से मिले हैं,
और अगस्त ऋषि के पास से उन्होंने ऐन्द्र नाम का धनुष और तलवार जो बहुत ही तीव्र धार वाली है वो दोनों वस्तुएं उन्होंने प्राप्त की हैं। इसके बाद वो वहाँ से आगे चल के जब दंडकारण्य में अपना स्थान बनाते हैं तो वहाँ शूर्पणखा आ जाती है और शूर्पणखा के आने की वजह से जब लक्ष्मण उसके उसको कुरूप बना देते हैं तो वो खरदूषण के पास जाती है। तब राम खरदूषण और तीसरा नाम के राक्षसों को मारते हैं और इसके साथ वहाँ दंडकारण्य में जो रावण के 14,000 सैनिक थे उनका भी वो संहार करते हैं, जिससे क्रोधित हुआ रावण अपनी मारीच की मदद लेकर के सीता का हरण करता है। जहाँ पे उसको बचाने के लिए जटायु की मृत्यु होती है, राम जटायु से मिलते हैं और जटायु के कहने पे राम जब आगे जाते हैं तो उनकी मुलाकात शबरी से होती है। शबरी जो है वो उनको पंपासर जाने का निर्देश देती है, वहाँ उनकी मित्रता सुग्रीव के साथ होती है। सुग्रीव अत्यंत दुखी है क्योंकि उसके राज्य और उसकी पत्नी को भी वहाँ पे उसके भाई बाली ने छीन लिया है, लेकिन सुग्रीव को इस चीज़ का विश्वास दिलाने के लिए राम जो हैं वो 7 वृक्षों को एक ही बाण से गिराते हैं और वहाँ जो अस्थियों का ढेर है उसको भी एक पैर की ठोकर मार के पैर के अंगूठे से उसको दूर पहुँचा देते हैं। इससे सुग्रीव को एक विश्वास आ जाता है और सुग्रीव जो है वो बाली पर आक्रमण करता है और अंत में राम एक बाण से उस बाली को मार देते हैं। सुग्रीव के साथ राम की मित्रता होती है, अग्नि को साक्षी बना करके राम सुग्रीव के साथ मित्रता करते हैं और फिर आगे की कथा कि किस प्रकार से हनुमान सीता को ढूंढने के लिए जाते हैं और लंका में सीता को प्राप्त करके वापस आ करके जब समाचार देते हैं तो राम वहाँ जा करके रावण का वध करते हैं। सीता जब राम के पास वापस आती है तो राम इस चीज़ से प्रसन्न नहीं होते हैं और ऐसे में सीता अग्नि में प्रवेश करती है, लेकिन अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर के सीता की पवित्रता का राम को विश्वास दिलाते हैं। वर्णन है, देखिए क्या श्लोक है, रामः सीताम् अनुप्राप्य पराम ब्रीडाम मुपागमत तमुवाच ततो रामः परुषम जन संसदी। राम अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं उनको देख करके और इसकी वजह से अमृष्यमाणा सा सीता, राम के कहे हुए उन शब्दों को अमृष्यमाणा सहन ना कर पाने वाली वो सीता विवेश ज्वलनम सती, आग में जल के सती हो जाना चाहती है और उसमें वो प्रवेश कर जाती है। तत्तो अग्नि वचनात् सीताम ज्ञात्वा विगत कल्मषाम, पछी अग्नि स्वयं प्रकट होकर के और सीता विगत कल्मष है, उसके ऊपर कोई पाप नहीं है। मैंने कहा था आपसे कि यहाँ शत्रु भी उत्तम है, हैं, यहाँ का शत्रु भी आज के शत्रु की तरह नहीं है और उस लंका में सीता सुरक्षित रही है। स्वयं अग्नि जब इस चीज़ के लिए साक्षी देते हैं तो इसके बाद की कथा कि राम पुष्पक विमान पर बैठ के और अयोध्या वापस जाते हैं। वहाँ नंदीग्राम में जाके भरत से मुलाकात होती है और वापस जाते जाते वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भरद्वाज मुनि से वापस मिलते हैं। इस प्रकार से अंत में राम का राज्याभिषेक होता है। ये राम 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और उसके बाद ये राम बहुत से ब्राह्मणों को दान धर्म करके अंत में बहुत ही सुंदर राज्य की स्थापना करके और फिर अपने धाम को गमन करेंगे। इस प्रकार से नारद मुनि ने पूरी रामायण की कथा वाल्मीकि को संक्षेप में सुनाई है और यही है वाल्मीकि रामायण के प्रथम अध्याय की कथा, जिसमें एक तरीके से हमें पूरी रामायण की अनुक्रमणिका प्राप्त होती है कि रामायण में हम इस पूरी कथा को कैसे सुन पाएंगे। धन्यवाद, आपको ये सीरीज बहुत ही आनंद देगी और आनंद देने के साथ साथ बहुत ही ज्ञान देगी। इस सीरीज से आपको सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो आपकी पारिवारिक शांति का फायदा होगा, इसलिए इसको अवश्य सुने, इसको सुनना ना भूलें। यहाँ स्वयं रामायण में भी ये बात लिखी हुई है
कि जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनको किस किस प्रकार के लाभ होते हैं। चलिए मैं चलते चलते आपको इस चीज़ का भी थोड़ा सा एतद आख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नरः सपुत्र पौत्रः सगणः प्रीत्य स्वर्गे महीयते। जो इस आख्यान को सुनता है वो पुत्र पौत्रादिकों से पूर्ण रहता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। जनरली क्या होता है कि पुत्र ही हमें छोड़ के चले जाते हैं, पौत्रों की तो बात जाने दीजिए, लेकिन यहाँ ये बड़ी अच्छी बात कही गई है कि जो इस कथा को सुनता है वो पुत्र पौत्रादि के साथ अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है, क्योंकि उसके घर में संस्कार आते हैं, उसके घर में जो रामायण में बातें कही गई हैं उनके संस्कारों का सिंचन होता है। तो ये कथा आप स्वयं सुने, और जब आपके घर में बच्चे हों तो भी आप इस वीडियो को चालू कर दें, वो इसे देखें ना देखें इसके शब्द उनके कान में जाएंगे तो भी आपको लाभ होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो सुनते रहिए रामायण की ये अमृत कथा हम आपको सुना रहे हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसकी भूमिका देखेंगे। धन्यवाद।